जय हिंद दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मार्केट में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या हमें एंट्री बनती थी या नहीं बनती थी और कल को क्या करें, इन सब पे हम बात करेंगे। आज मार्केट निफ्टी 100% साइडवेज थी, कोई मूवमेंट बन नहीं रहा था। अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो या तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा या मे बी वो बराबर में निकल गया होगा। जितनी एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन थी हमको वैसा कुछ हुआ नहीं। तो कल क्या करना है, देखिए जब तक निफ्टी 21,970 के ऊपर नहीं जाएगी, निफ्टी के अंदर मूवमेंट ऊपर का मुझे नज़र आ नहीं रहा या फिर नीचे का मूवमेंट है वो 21,750 के नीचे आ सकता है, बीच में रहेगी तब तक साइडवेज है, ऐसा कुछ होगा नहीं। प्रीमियम डीके का नुकसान हम लोगों को हो सकता है, तो प्लीज़ अगर लेते हो तो कम लॉट में एंट्री लेना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना जिससे आपको लॉस कम से कम हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर सर जो मोमेंटम आना है वो मोमेंटम आएगा आपका 46,300 के ऊपर। 46,300 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता इसके अंदर कोई मोमेंटम की आशा मुझे लग नहीं रही। नहीं लगने के कारण है आज बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ट्रेड बना था, किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसका पैसा बना होगा, बट वैसा ट्रेड नहीं बना जैसे हमें आशा थी। अगर 46,300 के ऊपर मार्केट चला जाता है 15 मिनट होल्ड कर देता, मैं फिर बोल रहा हूँ होल्ड जरूरी है, कोई भी चीज़ वहाँ पर होल्ड नहीं करेगी तो मोमेंटम नहीं देगी, जाएगी फ्रेक ब्रेकआउट देगी और नीचे आ जाएगी, आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ ये है कि मार्केट ऊपर जाए एटलीस्ट 15 मिनट की एक कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है तो आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। तो ऊपर का जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ 46,370 के आसपास का लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट टिक जाती है तो आपको 46,570 और 46,740 के लेवल आराम से दिख सकते हैं। नीचे के लेवल में बात बता देता हूँ, अगर कल बैंक निफ्टी 45,800 के नीचे ट्रेड कर दी, 45,829 का एक आपका सपोर्ट है, अगर उसके नीचे अगर आ गई और वहाँ पे ट्रेड करने लगी तो आपको आराम से 45,200 के पॉइंट आराम से मूवमेंट दिख जाएगा। 45,200 या 45,500 के आसपास का मूवमेंट आपको आराम से दिख जाएगा। तो कल मार्केट कहाँ खुलता है ये इंपॉर्टेंट है, आज का जो लो और हाई है इसको मार्क कर लेना। निफ्टी के अंदर आज का लो और हाई मार्क नहीं करना है, निफ्टी के अंदर आपको 14 तारीख का लो और हाई मार्क करना है, क्योंकि आज जो मार्केट था वो साइडवेज था। तो कल के अगर आज का मार्क करके कल ट्रेडिंग करोगे तो कल आप फंस जाओगे, इसलिए निफ्टी के अंदर आपको 14 तारीख का लो और हाई को मार्क करके सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में जो कैंडल बनती है उसका लो और हाई मार्क करना। जिस साइड में ब्रेकआउट देता है उस साइड में जो मैंने इंडिकेटर्स आपको बता रखे हैं, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है, उसका सपोर्ट लेते हुए एंट्री लेना, पैसा 100% बनेगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको लगता है कहीं मैं फंस गया हूँ, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे को कमेंट लिख सकते हैं। जो मैं लेवल दे रहा हूँ उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि वो 100% मार्केट में काम करेंगे। अगर आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि कैसे काम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक क्लास रखी है संडे को, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको एक क्लास अटेंड करनी है तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर और नाम छोड़ देना, जूम के ऊपर ये क्लास होगी, मैं आईडी और पासवर्ड बंदे को भेज दूंगा, जो इंटरेस्टेड है वो क्लास अटेंड कर सकता है। जिसको लगता है कि हाँ सीखूंगा तभी कमाऊंगा तब आ सकते हो, जिसको लगता है नहीं टिप्स के ऊपर काम हो जाएगा तो आप लोगों का पैसा है, आप लोगों का टाइम है, जैसे यूटिलाइज करना चाहते हो कर सकते हो, पर मेरा पीछे कितने सालों का एक्सपीरियंस मुझे ये लगता है सीखने से ही पैसा बनेगा, अगर नहीं सीखोगे टाइम पास करने से पैसा जाएगा, धीरे धीरे जाएगा और जाते जाते एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा जब सब कुछ ही चला जाएगा। इसलिए जितना जल्दी सीखना शुरू करोगे उतना जल्दी होगा। मैं आज आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट टाइप में कि एंट्री कैसे लेनी। सपोज कहिए हम ये मान लेते हैं कि आपने क्या किया, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर आपने क्या किया है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है हम ये लेवल मान लेते हैं, इसके ऊपर मार्केट खुलता है, इसके ऊपर मार्केट खुलता है और कितने टाइम रुक जाता है, 15 मिनट रुक जाता है तो ऊपर रुक जाएगा। और दूसरी उसने क्या करा, जो कैंडल बनी यहाँ पे कोई कैंडल बनी और कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, अगली कैंडल ने क्या हुआ उसके हाई को ब्रेक कर लिया। जब उसके हाई को ब्रेक करेगा तो उसका जो लो है, प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा और उस कैंडल का हाई होगा वो हमारी एंट्री पॉइंट होगा। जो इंडिकेटर्स मैंने बता रहे हैं वो मिस कर लेना। उस टाइम के अंदर RSI कितना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है अगर VWAP सुपर टेंडो को उस सेटिंग के अंदर, जो सेटिंग मैंने आपको बता रही है, अगर कार्ट के ऊपर जा रहा है आप बिंदास ट्रेड लीजिए, बिंदास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके लंबा प्रॉफिट कमा सकते हो।
ये 2 पॉइंट 10 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए ट्रेड मत करो, इससे अच्छा तो ट्रेडिंग मत करो, पैसा अपने पास रखो। 50 पॉइंट अगर ले भी लोगे तो उतनी ब्रोकरेज ले लेगा आपका, नील बट्टा सन्नाटा जेब में रहना है, रुकना कुछ नहीं है। इसलिए अगर ट्रेड करना है तो परफेक्ट करना है, नहीं तो ट्रेड मत करो, वो ठीक है। अब आज FIAs ने DIAs ने क्या किया उस पर नज़र मार लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या बोलता है उस पर नज़र मार लेते हैं। पहले चलते हैं FIAs DIAs में, तो आपको ये देखोगे DIAs है वो 22,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है, उसके अगेंस्ट में FIAs ने 500 करोड़ की बाइंग की है। बट ऑप्शन के अंदर जो FIAs है इन्होंने सेलिंग की है 77,452 करोड़ की। तो यहाँ पे ये जो मामला है ये थोड़ा बड़ा नज़र आता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी या फिर इन्होंने जो पहले जो माल ले रखा है वो हाई लेवल पे बेचा होगा। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि वापस मार्केट के अंदर एक साइडवेज या मार्केट का नीचे का मुंह आ सकता है। तो जो भी करते हो एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस का यूज़ पक्का लेना। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट, आपको लग रहा है अगर इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कोई मदद मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना। फिर भी कोई हेल्प की जरूरत है व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे या कमेंट्स में पक्का पूछना, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ जिसे स्विंग ट्रेड के ऊपर है, उसमें कुछ स्विंग ट्रेड मैंने बता भी रखे हैं, स्विंग ट्रेड कैसे करना ये स्ट्रेटजी भी बता रहा हूँ। उस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सक्सेस 100% मिलेगी इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। कोई आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, आपको कहीं डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए, 2 पैसे घर लेके जाइए, मार्केट को देखे जाओगे उसका कोई फायदा नहीं है। कम लेके जाओ पर लेके जाने की आदत डालो, लॉस के ऊपर कंट्रोल करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।